फ्रेंड्स, मैं सविता वर्सेस टीम सिलेक्शन मंत्र पर आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमारी जो लंबी सीरीज चल रही थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लिटरेरी टर्म्स, जैसा कि आपने देख लिया होगा। और आज हम लिटरेरी टर्म्स में स्टार्ट करेंगे लेटर ए से, और लेटर ए में स्टार्ट करेंगे एनाक्रोनिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनाक्रोनिज्म का ग्रीक मीनिंग है बैक टाइमिंग या टाइमलेसनेस। बैक टाइमिंग या टाइमलेसनेस हिंदी में इसको कहते हैं काल भ्रम या समय दोष। काल भ्रम या समय दोष। एन एरर इन क्रोनोलॉजी, इसमें क्या होता है, एक एरर दिखाई देती है इन क्रोनोलॉजी में, यानी कि डेट में ऐसा कुछ हो रहा होता है जो डेट के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठता है, सुटेबल नहीं होता है, इसलिए एरर इन क्रोनोलॉजी। एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कस्टम और एन इवेंट दैट सीम्स ओल्ड फैशन्ड एंड belong to present। कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी प्रथा, ऐसी कोई घटना जो कि क्या होती है, बहुत ही ओल्ड फैशन प्रतीत होती है और उसका प्रेजेंट टाइम से कोई बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती है। प्रेजेंट टाइम से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, उसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनाक्रोनिज्म। एक और देख लेते हैं डेफिनेशन, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एनीथिंग इंक्लूडेड इन लिटरेरी वर्क which belongs to a period different from that which is under consideration। लिटरेरी वर्क में कुछ भी ऐसा इंक्लूड होना जो कि बिलोंग करता है ऐसे पीरियड से, ऐसे समय से बिलोंग करता है और डिफरेंट है उस सिचुएशन से जो कि विचाराधीन है, जिस पर विचार करने के लिए आदमी विवश हो जाता है कि ऐसा क्या घटित हुआ है। उस समय जो उस टाइम चीजें प्रचलन में ही नहीं थी, उसके बारे में वर्णन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोई ऐसी घटना या इवेंट जिस समय कोई लिटरेरी वर्क में वर्णित किया जाता है जो कि उस समय प्रचलन में ना हो, कोई भी ऐसी चीज जो उस टाइम प्रचलन में ना हो और उसका क्रम उसको दिखाया जाता है जब किसी वर्क में या किसी घटना में, तब हम उसको एनाक्रोनिज्म कहते हैं, उसको काल समय या काल भ्रम या समय दोष कहते हैं, क्योंकि उस समय वो चीज प्रचलन में नहीं थी, उसको मतलब उसको कैसे वर्णित किया गया है, ये काल भ्रम होता है, ये एनाक्रोनिज्म होता है। जैसे
प्रिफरेंस इन जूलियस सीजर एंड गिलियार्ड्स इन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। जूलियस सीजर का क्लॉक रिफरेंस और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में जो बिलियर्ड्स का रेफरेंस दिया गया है वो एनाक्रोनिज्म का एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताएं और लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।